नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर से कुछ ही किलोमीटर दूर खुड़ैल थाना क्षेत्र के हाट पिपल्या के पुराने तालाब में 3 नाबालिग बच्चों की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से बच्चों के शव देर रात निकालकर पोस्टमार्टम के लिए एमवाय हॉस्पिटल लाया गया था। दरअसल पूरी घटना खुड़ैल थाना क्षेत्र के हाट पिपल्या की है, जहां हाट पिपल्या गांव में पुराने तालाब के नाम से मशहूर एक तालाब है। तालाब के आसपास बारिश में बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, जहां सोमवार को 3 बच्चे अंशुल, प्रियांशु और आरुष स्कूल से आने के बाद खेलने के लिए तालाब में नहाने चले गए। एक बच्चे ने पहले कपड़े उतारकर गड्ढे में नहाने चला गया। जैसे ही पहला बच्चा डूबने लगा तो दूसरा बच्चा उसे बचाने गड्ढे में कूद गया, और जैसे ही दूसरा बच्चा डूब रहा था तो तीसरे बच्चे ने भी गड्ढे में छलांग लगा दी, जहां एक दूसरे को बचाने के चक्कर में 3 बच्चों की मौत हो गई, जिनके शव गांव वालों की मदद से देर शाम को निकालकर एमवाय हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। वहीं खुड़ैल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक के परिजनों द्वारा कई घंटों की मशक्कत के बाद गड्ढे के बाहर एक बच्चे के कपड़े दिखे और पैरों के आने के निशान दिखे, जिस पर परिजनों को शंका हुई और गड्ढे में देखा तो 3 मासूम के शव मिले, जिन्हें गांव वालों की मदद से पोस्टमार्टम के लिए एमवाय हॉस्पिटल भिजवाया गया है। सर, ये बच्चे स्कूल से जैसे आए और गांव में 3 बच्चे खेलने के लिए निकल गए, एक तालाब में दूर, बहुत दूर, जहां गांव के किसी की नज़र नहीं जाती, ऐसी जगह एक गड्ढा बना हुआ था जेसीबी से, जिसमें से एक बच्चे ने कपड़े निकाले और वो उसमें नहाने के लिए उतर गया। 2 बच्चे अपने यूनिफॉर्म में ही थे, स्कूल की ड्रेस में, वो उसको बचाने में वो दोनों भी डूब गए। पहला वाला बच्चा डूब रहा था। हाँ, पहला वाला डूब रहा था, क्योंकि ये दोनों ड्रेस में थे, तो हमने ऐसा हमको शंका हो रही कि ये दोनों ड्रेस में तो कोई उतरेंगे नहीं पानी में, तो ये उसको बचाने के चक्कर में उसने इनको भी खींच लिया। फिर किन्ने देखा है बच्चों को डूबता हुआ? हम पूरे गांव में 2-3 घंटे हम ढूंढते रहे सारा गांव, फिर हमको सूचना मिली कि यार एक बच्चे के कपड़े रखे हुए गड्ढे के किनारे, तो फिर हम कपड़े से हमने सोचा कि ये बच्चा अंदर हो सकता है। वो जाने के पैर हमने कीचड़ में देखे कि जाने के पैर है, आने के नहीं है, तो हमने फिर वहाँ छलांग लगाई। 9 से 10 साल खाते पिपलिया गांव कनाड़िया रोड इंदौर। क्या नाम है? एक का नाम अंशुल है, एक का नाम प्रियांशु है और एक आरुष है। मतलब स्कूल से ज़्यादा? स्कूल से, हाँ, एक ही स्कूल में पढ़ते थे तीनों। कौन थे? ये थे KG 3 में था, एक KG 2 में था। एक खेती करते किसान से, बहुत हालत। मैं उनका अंकल महेंद्र पटेल। कल 7 बजे थाने में सूचना प्राप्त हुई थी, कैसे 3 बच्चे हैं और जो खाती पिपलिया गांव है हमारा, वहां तालाब के पास डूब गए हैं। तो तत्काल पहुंचे, जब तक ये ग्रामीण लोग यहां MBH लेके आ गए उनको, तो यहां डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किया गया है, PM कराया जा रहा है। क्या उम्र है इनकी? ये सब 7-8 साल की उम्र के बच्चे हैं। क्या तालाब था या कुआ, क्या था? ये तालाब है, गाँव का पुराना तालाब है, लेकिन अभी पानी नहीं था, उसमें जो गड्ढे हैं उसमें खेलने गए थे, वहाँ घटना। ये तीनों ही थे या और कोई भी था? नहीं, अभी तीनों ही बताया जा रहा है। कैसे, क्या जानकारी लगी थी, डूब गए थे ये? ये क्या, स्कूल गए थे, उसके बाद घर आए, वहाँ खाना खा के खेलने निकल गए, उसके बाद जब देर तक नहीं आए, 5-6 बजे तक, तब परिजन और ग्रामीणों ने ढूंढा। कुछ नाम आया बच्चों के? हाँ, अंशुल, आयुष और प्रियांशु, 3 नाम। वही गाँव के बच्चे? गाँव के बच्चे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।